हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। सो इंडिया में गेन फ्रॉम रशियाज लॉस इन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स अट्रैक्ट $30 बिलियन इन फ्लोज। भाई रशिया का लॉस हो रहा है क्योंकि वो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है और अभी इंडिया को इस इंडेक्स में लेने की बात चल रही है। अगर इंडिया इस इंडेक्स का पार्ट बन जाता है, इसकी मेन लिस्ट में आ जाता है, तो इंडिया को $30 बिलियन का फायदा होगा। अब क्या होती है ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स, रशिया क्यों इससे निकाला गया और इंडिया को एक इम्पोर्टेंट कंट्री क्यों माना जा रहा है इस इंडेक्स का पार्ट बनाने के लिए, लेट्स डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स होते क्या हैं। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनमें कि डिफरेंट कंट्रीज के जो मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो भी कंट्री इन बॉन्ड का पार्ट होती हैं वो उन कंट्रीज को इजी शर्तों पर लोन दे देते हैं। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स जो है वो नजर रखता है डिफरेंट कंट्रीज पे कि कौन सी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफी इमर्जिंग चल रही है फिलहाल के टाइम पे और किस कंट्री को अपना पार्ट बनाने में भी फायदा होगा, और फिर ये जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस होते हैं ये उस कंट्री को अपना पार्ट बना लेती हैं एंड देन अगेन इनका भी फायदा होता है और जो कंट्री इनकी मेन लिस्ट में डाली गई है उसका भी। देखो तीन सबसे मेन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस हैं, फर्स्ट GBIEM, सेकंड FTSE और थर्ड ब्लूमबर्ग। अब ये हम GBIEM की बात कर रहे हैं, इसमें से रशिया को ऑफकोर्स निकाला गया है बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर। जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा तभी इस बॉन्ड से रशिया को बाहर कर दिया गया था और JP Morgan ने ये बोला है कि हमारे पास इंसेंटिव है कि हम इंडिया को ऐड कर सके। इंसेंटिव मतलब जैसा मैंने बताया कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं फिर ये लोग लोन्स देते हैं डिफरेंट कंट्रीज को जो इसका पार्ट होती है बहुत ही इजी शर्तों पे। तो अब रशिया पार्ट नहीं है तो जो रशिया का हिस्सा है वो खाली पड़ा है, तो JP Morgan जो है वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना इंसेंटिव है कि हम इंडिया को ऐड कर सकें एज लॉन्ग एज GBIEM के जो इन्वेस्टर है उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ये JP Morgan का ही है GBIEM, ओके। इन्होंने बोला है कि इंडिया का बहुत बड़ा बॉन्ड मार्केट है और ये इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन इसको अभी तक ग्लोबल इंडेक्सेस ने कवर नहीं करा है किसी ने भी, बट सून इट इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड बिकॉज रशिया के एक्सक्लूजन से इंडिया का इंक्लूजन तय है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स से बात हुई है अबाउट दिस टॉपिक ऑफ इंक्लूडिंग इंडिया इन द इंडेक्स और जो फीडबैक मिली है वो पॉजिटिव मिली है। अराउंड 60% जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बोला है कि हम रेडी हैं इंडिया के इंक्लूजन को लेके। मॉर्गन स्टैनले ने बोला है कि जो अनाउंसमेंट है कि इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स ये मिड सेप्टेम्बर तक अनाउंस कर दिया जाएगा और फिर जो इंडिया की एक्चुअल एंट्री होगी वो नेक्स्ट ईयर थर्ड क्वार्टर तक होगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बोला है कि जो इंडिया की डाइवर्सिफिकेशन है जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा फॉर GBIEM इंडेक्स और हम इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एडिशन मान रहे हैं टू दिस इंडेक्स और हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक चले हमारा और इंडिया का जो बॉन्ड रहेगा इसमें। अब देखो इंडिया ऑलरेडी JP Morgan के बॉन्ड इंडेक्स में तो इंक्लूड होने के लिए ऑन ट्रैक है ही, दूसरी तरफ FTSE Russell का भी जो इंडेक्स है वो भी इंडिया को इंक्लूड करने की बात कर रहा है, तो अगेन अगर ऐसा भी होता है तो इंडिया को और ज़्यादा फायदा होगा और जो लोन प्रोसेस होगा इंडिया के लिए वो ईजी हो जाएगा। हमारी कंट्री में जो भी डेवलपमेंट्स होने हैं उनके लिए जो हमें पैसा चाहिए वो इजीली इनफ्लो हो पाएगा। सो दिस वॉज द न्यूज़ फॉर यू गाइज, आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी हेल्दी एंड बाय।